एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। आखिरकार पकड़े गए गैंगरेप के आरोपी, आयात शुल्क कम होने से घटे खाद्य तेलों के दाम। अब महानगर पालिका के कार्यक्रमों को भी क्रीडा समिति की अनुमति आवश्यक। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। एमआईडीसी क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप के प्रकरण में वांछित आरोपी 2.25 माह बाद एमआईडीसी पुलिस के हाथ लग गए। इसके साथ ही गैंगरेप में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 8 हो गई है। गिरफ्तार आरोपी शिवेंद्र सुशील पटेल, अजय राधेलाल मात्रे तथा सूरज उर्फ दाऊ घनश्याम कुशवाहा है। इसके पहले आकाश उदयलाल भंडारी, संदीप अशोक पांडे, फिरोज शेख, शफी शेख, अजय विष्णुदास सुरनकर तथा हर्षल कैलाश ठाकरे को गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित नाबालिग की आकाश से मित्रता थी। आकाश 2 अक्टूबर से नाबालिग का यौन शोषण कर रहा था। उसने अपने मित्रों को भी नाबालिग से संबंध बनाने को कहा, उनसे 100-100 रुपए लेकर अपने पास रख लिए। 7 अक्टूबर को आकाश नाबालिग को एमआईडीसी के निर्जन परिसर में ले गया। वहां उसने 3 साथियों की मदद से नाबालिग का शोषण किया। इसी दौरान शिवेंद्र, अजय और सूरज वहां आ गए। वे भी नाबालिग से जबरन बलात्कार करके फरार हो गए। इसके बाद से पुलिस उन्हें खोज रही थी। यह मामला संवेदनशील होने से एमआईडीसी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। एक आरोपी एमपी भाग गया था। वारदात के दौरान उसने आकाश से मोबाइल छीन लिया था। इसके आधार पर पुलिस को उसके एमपी में होने का पता चला। नागपुर लौटते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसने दोनों साथियों के नाम बताए, जिसके आधार पर उन्हें पकड़ा गया। आरोपी छोटे मोटे काम करते हैं। यह कार्रवाई डीसीपी लोहित मतानी के मार्गदर्शन में किया गया। अगली खबर, केंद्र सरकार द्वारा पाम ऑयल पर से आयात शुल्क 5% कम करने तथा कायदों पर रोक लगाए जाने का असर घरेलू बाजार पर पड़ा है। खाद्य तेलों के दाम में 100 रुपए प्रति टिन तक गिरावट दर्ज की गई। आने वाले दिनों में गिरावट का सिलसिला जारी रहने की संभावना व्यापारियों ने व्यक्त की है। आयात शुल्क कम किए जाने के बाद बुधवार को सोयाबीन तेल 2100 रुपए प्रति टिन के स्तर पर आ गया। फल्ली तेल के दाम भी घटकर 2220 से 2240 रुपए के स्तर पर आ गए हैं। खाद्य तेल के थोक व्यापारी अनिल अग्रवाल ने बताया कि वायदा पर रोक लगाने से सट्टेबाजी पर रोक लगी है, जिससे दाम कम हुए हैं। अगली खबर, नागपुर महानगर पालिका की ओर से होने वाले सभी क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को क्रीडा विशेष समिति की अनुमति आवश्यक है। क्रीडा विशेष समिति के सभापति प्रमोद तभाने की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया। सभापति तभाने ने कहा कि महानगर पालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी क्रीडा व सांस्कृतिक समिति को होना आवश्यक है। इसके कारण किसी भी कार्यक्रम के लिए क्रीडा समिति की अनुमति लेना अनिवार्य है। इस संबंध में समिति ने प्रस्ताव पारित किया है। तभाने ने बैठक में समिति के अंतर्गत आने वाले कामों की समीक्षा भी की। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें और देखते रहें एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।